हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग. स्वागत है आप सभी का प्रतिभा चौहान व्लॉग्स में. आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी बढ़िया हूँ. तो दोस्तों, आजकल अब मौसम साफ हो चुका है. वैसे तो मेरा भी आपको पता है कि एक हफ्ता हो चुका है यहाँ पे आके, और मैं यहाँ पे फंस चुकी थी. तो अब मौसम ऐसे साफ हो चुका है तो बस से तो नहीं चल रही, पर एक गाड़ी वगैरह चल रही है. तो यहाँ पे एक गाड़ी आती है दूध वाली, तो उसमें ही निकलूंगी मैं से. कहाँ तक निकलूंगी? नीरथ तक उसमें ही निकलूंगी. तो दोस्तों, बाकी कुछ कर नहीं सकते, बस से नहीं चल रही है. तो मैं बहुत टाइम हो जाएगा मुझे, क्या पता कल से और बारिश हो जाए और रोडे गिर जाए. इससे अच्छा ऐसा है कि आप निकल जाओ टाइम पर, क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा ठीक है. तो दोस्तों, अब जाने की तैयारी जारी करती हूँ. तो प्रेस प्रुस तो मैंने कर दिया, यहाँ देखो मैंने कहाँ कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि इजाइन में फंस रही थी तो मैंने इससे छुपा के ऊपर रख लिए. तो अब हम ब्रश ब्रुश कर देते हैं. दीदी भी नहाने चली गई है, क्योंकि ये मुझे छोड़ने आएगी, क्योंकि वो गाड़ी आती है दूसरे गांव में, दूसरे गांव के लिए. तो वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके. तो वो मुझे छोड़ने आएगी. तो नहा रही है तो मैं भी ब्रश वगैरह कर देती हूँ. इधर मैं थोड़ा ईजा से भी मिलाती हूँ. ईजा जी, क्या कर रहे हो? तो ये इधर पढ़ाई कर रही है ऐसे, इसकी ऐसी पढ़ाई होती है, बस बुक्स पूरी की पूरी नीली कर दो लिख लिख के, बाकी कुछ नहीं. तो दोस्तों, ब्रश करने जाती हूँ. तो थोड़े थोड़े बादल तो है, बाकी तो साफ ही है. देखो हमारी साइड जबकि बादल है, थोड़ी तो फॉग भी है, थोड़े थोड़े है कहीं कहीं, देख सकते हो आप. को इधर हम एक नाला क्रॉस कर रहे हैं, रोड टू रोड ये पानी आ रहा है नीचे. चलने के लिए इतना गंदा है ना नीचे रास्ता, और मुझे ये लग रहा है जूते जाते तो मेरे नीरत में मुझे दूसरे ही लेने पड़ेंगे, इतने गंदे हो चुके हैं. देखो रास्ता तो आपको लग ही रहा होगा पता कितना घटिया है. नाले हमने पार कर दिया है, बहुत ही घटिया नाला था, उसमें हम भीग चुके हैं. तो अब हमने निकलना है रोड तक. रोड तो दूर है ना, तो क्या करें, हमें लॉन्ग में आना पड़ा क्योंकि उधर पास स्लाइड हुआ था तो रास्ता ही गिर गया है. हमें अब लॉन्ग वाले में जाना पड़ रहा है. अब रोड पता नहीं कितनी नीचे है भाई. अब मैं दीदी का सोच रही हूँ ये ऊपर के लिए कैसे आएगी इतनी धूप, और ऊपर धूप भी बहुत लगी हुई है. दोस्तों, ये वाला बन रहा है जी ननखरी कॉलेज, उधर को भी है, उधर को हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो मैं आपको इधर से ही दिखाती हूँ. इधर हमारी दीदी जी गिर चुके थे, और गिरी है बहुत बेरहम वाली, तो इसने थोड़ा कमीज वगैरह धोया. तो दोस्तों देखो क्या बेरहम कॉलेज है. और यहाँ से दीदी का गांव भी दिख रहा है, एंड दीदी का घर भी दिख रहा है ऊपर 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 यहाँ जैसे. चलो जी, रखा है ये कॉलेज, थोड़ा परे को भी है तो इतना ही दिखा सकती हूँ मैं. फ्रंट ये वाला है. अब हमने जाना है यहाँ से और नीचे. तो कॉलेज तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेरहम बन रहा है ना. और हम खुद भी छोटे कॉलेज में पढ़े हुए, हम भी है, हम तो इतने बड़े कॉलेज में गए ही नहीं. हमारा कॉलेज यहाँ से, हमने कॉलेज किया हुआ है ना कुमारसन से, जहाँ से मैंने बीए की हुई है, तो मैंने कुमारसन से की हुई है. तो वहाँ पे भी छोटा कॉलेज था, क्योंकि उस टाइम बन ही रहा था वो. और उस टाइम जब थर्ड बैच बैठा ना हमारा वहाँ पर, हाँ थर्ड बैच हमारा बैठा वहाँ पर. तो आप खुद सोच सकते हो जहाँ पर बैठा हो तो वहाँ पर कितने स्टूडेंट होने थे, कितना स्टाफ था, सब्जेक्ट कितना था. क्या बोली? और भी सर्दी थी. दोस्तों हम जंगल में पहुंच चुके, जंगल ये तरह की, अब जंगल आवाजें भी आ रही लोगों की. इधर काम चला हुआ है थोड़ा लकड़ियों का. इधर आप तालाब भी देख सकते हो, रोड में तालाब बनी हुई है. और दूध का प्लांट है जी यहाँ पर. यहाँ पर मुझे गाड़ी भी दिख रही है, आई थिंक यही वाली है जिसमें मुझे जाना है. बहुत दूर से आए थे दोस्तों हम. सतलुज में कितना पानी है आजकल. इधर देखो
बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। मैं नीरथ जा रही हूँ तो ननखरी के लिए, थोड़ा वहाँ पर ऐसे वो गाड़ी रामपुर की हो जाती है तो मुझे अब पैदल जाना पड़ रहा है थोड़ा, 1 किलोमीटर से तो ज़्यादा है, ज़्यादा की कम है ये तो मुझे पता नहीं है, बट मैं पैदल जा रही हूँ अभी नीरथ तक। बस भी नहीं आ रही दोस्तों, पता नहीं कब आएगी। और धूप तो आपको पता ही है कि कितनी धूप है, बहुत ही ज़्यादा। मैं भी पहुंच चुकी हूँ अपने शहर में, शहर बोल सकते हो आप, अपने गांव में पहुंच चुकी हूँ गाइस। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है अपने गांव में पहुंच के। तभी टाइम हो रहा है, टाइम 5:10 हो चुके हैं। तो दोस्तों इधर लगी नहीं रहा कि इतनी बारिश हुई होगी इधर, भाई इधर तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, बड़ी मुश्किल से उतार दी, उधर से निकली हूँ मैं। और अभी ठीक है, धूप भी बस बड़ी मस्त वाली लगी हुई है। और ना मुझे अपने गांव में आके ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मैं। इधर का व्यू देखो कुछ इस तरह का है, पादुकोट डिस्ट्रिक्ट मंडी पे एक बादल है बहुत बड़ा। तो देखो गाइस इधर हमारा शिवान, इधर मेरा गांव, ये मेरे गांव की रोड। दोस्तों इधर हो रही है जी मेरे गांव में एंट्री, देखो मेरा प्यारा सुंदर सा गांव। ये हमारी तालाब भी फुल हो चुकी है, ये भी हमारे नाग देवता जी की तालाब है। जी जरूर पहुंच चुकी हूँ। रुको वे तो भाग रहे परे। नमस्ते। और ठीक पहुंचे। मैं कपड़े कुपड़े चेंज करके खत्म हो चुकी हूँ और मैं अपने साथ एक पार्सल लेके आई हूँ। तो मैं अभी इसको खोलती हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है यार, ये फटे हुई फट गया। कैसे फाड़ा मैंने ये यार, अगर चेंज करवाना हो तो। ये है फ्लिपकार्ट से ना, फ्लिपकार्ट से ईजा के लिए एक हमने फ्रॉक मंगवाई थी तो वो कुछ इस तरह की आई है। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरी मम्मी ने मुझे फोन करके पता क्या बोला, कहाँ है बोला खेत आ जा। नमस्ते। ठीक ठाक? ठीक है। आई याद थोड़ी बहुत? आई बहुत ही आई। डर लगा? नहीं बहुत ज्यादा लगा। तो इधर जी हमारी दादी बैठी है ऊपर, ये ऊपर से मम्मी को देख रहे हैं। गप्पे चलिए, गप्पे चलिए। इनकी गप्पे सुनो आप, उसकर भी मिलने आ रहे हैं। तो यही घर मुस्ताद भी आओ ते मोती को देखने आओ, ये तो लांगा लग रहा है। घास उधर जा, उधर जा। तो चाचू भी घास से आ रहे हैं। इधर घास लगा रहे। तो इधर इन्होंने घास लगा दिया, बॉय बोला जाता है उसके लिए, इन्होंने बॉई लगाई हुई है। तो देखो गाइस उठने के लिए क्या करना पड़ता है, एक दूसरे की हेल्प करने। देखो कैसे चल रही है, बड़ी मुश्किल से हम लगाते लकड़ में ना, लकड़ में लगाया हुआ है। देखो बॉई लगाई हुई इन्होंने, देखो कितने पूड़े लगाए हुए। हमने भी सात पूड़े लगाए, बॉई बोलते हैं इसके लिए।
भी अपना उठाना पड़ेगा इधर मेरे पास के लिए भी। यहाँ पे दोस्तों दो पूड़े रखे हुए तो मैं इस तरह से ले जाऊंगी और बाकी तो मैं जाती हूँ। खाना भी नहीं खाया और उससे पहले मेरे को यही बोल दी थी खेत आ जाए, शुक्र से खेत थोड़ा नजदीक था तभी बुलाया वैसे मुझे, क्योंकि ये खेत नजदीक था इसीलिए मैं आई, अगर तो दूर होता तब तो इस घर के सबसे नजदीक खेत है हमारा। इस ठंडी ठंडी हवा को बहुत मिस कर रही थी तो देखो कैसी चली हुई है, हल्की हल्की देखो मस्त वाली। तो अभी इधर भटूरे गर्म हो रहे हैं, दाल चावल एंड भटूरे खाए जाएंगे। तो दोस्तों इधर खाना खा रहे हैं, ये बनी जी हमारी मिक्स दाल चावल पानी, ये दादा भटूरा खा रहे हैं और सब्जी भी खा रहे हैं। प्याज नहीं किया मैंने,